जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग का इस्तेमाल सिर्फ ज्ञान लेने के लिए करते हैं। मेरा हमेशा से कहना है कि अगर आप ट्रेनिंग में जाकर के सिर्फ ज्ञान लेकर के बैठ जाते हैं तो आप ज्ञान ही बन पाएंगे, सफल नहीं बन पाएंगे। तो अगर वाकई में हम सफल बनना चाहते हैं तो दूसरा काम आपको करना पड़ेगा कि सीखी हुई बातों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं है तब तक कि जब तक उस ज्ञान को इस्तेमाल ना किया जाए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्ञानी है, उनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जिन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जब लिए हुए ज्ञान को इस्तेमाल किया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि किसी आदमी का पेट बड़ा है, वो अपना वजन कम करना चाहता है, पेट कम करना चाहता है, वो एक जगह पर गया, किसी ने ज्ञान दिया कि अगर आप सुबह जल्दी जगकर के 5 किलोमीटर जॉगिंग करेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा। अभी एक ज्ञान हुआ, लेकिन ये ज्ञान का इस्तेमाल जब वो करेंगे कि वो एक्चुअल में सुबह जल्दी जगकर के 5 किलोमीटर रनिंग चालू करेंगे, तो ये ज्ञान उनके बदन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी, मतलब बदलाव लेकर के आएगी। तो बदलाव तब आता है कि जब ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए, ज्ञान लेने से बदलाव नहीं आता। आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्री के अंदर हर एजेंट MDRT COD TOT करना चाहता है, लेकिन जो एजेंट MDRT COD TOT कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर ज्ञान का अंतर नहीं है, वो अंतर है कि कौन सीखी हुई बातों को कितना ज्यादा इस्तेमाल करता है। दो प्रकार के एजेंट पाए जाते हैं। एक वो एजेंट होते हैं कि जो होलसेल में सीखते हैं। होलसेल में सीखते का मतलब क्या हुआ, लगातार कुछ ना कुछ नया उनको सीखने का बड़ा कीड़ा रहता है, वो होलसेल में सीखते हैं लेकिन इस्तेमाल रिटेल में करते हैं। और ये जो MDRT COD TOT करने वाले लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं, रिटेल में सीखते हैं, होलसेल में इस्तेमाल करते हैं।